आवाज आ रही है? अफ्टरनून मैम। आप लोग आज आज एक चीज ध्यान रखना इस बात को कि आप लोग का जो क्वेश्चन है 2015-17 का, उसमें जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन स्ट्रेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यूजुअली आप लोग देखोगे कि यहाँ पे दे देगा आप लोग को कितनी जगह आंसर्स हम अभी देख रहे थे, गूगल पे सर्च कर रहे थे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज है। तनाव और तनाव देने वाला जो वो स्ट्रेसर जो तनाव देने वाले हैं, तो इस चीज में तुम लोग हमेशा समझना कि दोनों अलग अलग है। आपका यहाँ पे हम गूगल पे देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जो हम पढ़ाए भी हैं आप लोगों को, इसका हिंदी देखते कोशिश करेंगे, जो आपका एक्यूट था, एपिसोडिक था, क्रॉनिक था, और फिर हम स्ट्रेस को नेगेटिव पॉजिटिव करके आपका बता दिए थे आप लोगों को कि यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस करके। तो आप जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बोलेगा तो आप डिस्कस करिएगा, क्योंकि बहुत जगह हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में लिख दिया पर्यावरणीय तनाव, सामाजिक तनाव, ये आप नहीं लिखिएगा, वो स्ट्रेसर्स हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिफाइन द स्ट्रेस, वो आपको हम पढ़ा चुके हैं। देखो बिल्ली। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ एंड बिहेवियर, स्ट्रेस का आपके हेल्थ और बिहेवियर पे क्या पड़ता है आपके, ये आप बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ तक लिखवाने का, लेकिन ये बहुत आसान चीज है कि आपके स्वास्थ्य पे तनाव का किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले तो आप बोलोगे कि स्वास्थ्य पे तनाव का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, आज तनाव की वजह से ही बहुत सारे ऐसे शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं जो उत्पन्न हो गई है, तो ये सारा हमारा हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा बिहेवियर पे कह रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोग को इसको अच्छे से ये कर देने का। आज हम पहले कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने की विधियां को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हाउ डस योगिक मेडिटेशन हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब योगा और मेडिटेशन कैसे आपको तनाव को मैनेज करने में मदद करता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट करके क्वेश्चन आप लोग को डाल देने का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है जो मेरे पास अवेलेबल है। आप लोग किसी के पास भी गेस्ट पेपर नहीं है क्या? मेरे पास है। हेल्थ साइकोलॉजी की गेस्ट पेपर है बेटा परा? यस मैम है ना, तो एक सेमेस्टर का नाम है फोर्थ सेमेस्टर में हेल्थ साइकोलॉजी। नो मैम नहीं मिल रहा, थर्ड का है मैम, वो तो मिल नहीं रहा। थर्ड सेमेस्टर का हेल्थ साइकोलॉजी थोड़ी पेपर है बेटा, वो कहाँ से होगा? नहीं, कंफ्यूज हो गया मैम, सॉरी। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर का अगर हेल्थ साइकोलॉजी की बुक कहीं मिलती है तो तुम लोग कोशिश करना कि ये। मैम मैंने पूरा खोज मारा पर नहीं मिला, बोला अभी नहीं आया, अभी लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं अवेलेबल हो रही है। अच्छा, अभी हम स्क्रीन शेयर करके आप लोग को दिखाते हैं। सोशल सपोर्ट तो पढ़ा दिए थे आप लोग को ना, थोड़ा सा बहुत साफ नहीं आ रहा होगा एक्चुअली, वो मेरे में नहीं है कैम स्कैनर, इसके चलते बहुत साफ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये आप लोगों को पहले हम पीडीएफ दे चुके हैं, उसमें साफ था, ठीक है ना। yes, ma'am. तो ये हम पढ़ा चुके थे आप कि किस तरह से आपका जो सोशल सपोर्ट है, सामाजिक समर्थन है, वो आपके तनाव को कम करने में मदद करता है ना, पता है ना कि एक समाज आपका किस तरह से, आपके जो समाज में लोग हैं वो आपको मदद करते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो ये था, ठीक है ना, योजनाबद्ध समस्या समाधान, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम।
यस मैम। अच्छा ठीक है, तो ये इस पे हम आप बताएंगे आप लोगों को, एक सेकेंड ले आ रहे हैं इसको, तो उससे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, योजनाबद्ध समस्या समाधान है ना, प्लानफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर प्लानिंग कर ले तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे क्या है, इस तरह के समायोजी उपाय में व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाता है और उसी अनुसार व्यवहार करके समस्या का समाधान करता है। पढ़ रहे हो आप लोग, फिर धीरे धीरे आप देखो, इस तरह के समायोजी उपाय में व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाता है ना, योजना बनाता है और उसी के अनुसार व्यवहार करके समस्या का समाधान करता है। अब जैसे कह रहा है कि एक योजना के तहत ना, अब कह रहा है